खाली वो टाइटल में लिख दिया कि इत्तेहाद मुस्लिम, अरे तो मुस्लिम कहा था तुमने अपने आप को, तो फिर ये कहाँ से होंगे, खाली पोस्टर लगाने से हो जाएगा। तो अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, रसूल को मानते हैं लेकिन रसूल की नहीं मानते, तो मसला यहाँ आ रहा है। यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा तो मुस्लिम रखा, और उसके बाद हम कहे कि नहीं हम तो नहीं, हम तो फलाएँ, हम तो फलाएँ फलाएँ, तो फिर अल्लाह से डर कहाँ बचा तुम्हारा। ऊपर पूरी बिल्डिंग बना दे 10 माले की, अगर आपने उसकी बुनियाद नहीं रखी तो बिल्डिंग थोड़ी सी हवा में गिर जाएगी। तो सबसे पहले तो बुनियाद तो होनी चाहिए, खाली अपने अपने स्टेज से बोलने से कुछ नहीं होता कि इत्तेहाद हो। फिर वो नहीं कहे चाहे कि मैं फिरका नहीं हूँ, हम फिरके नहीं हैं, हम तो खाली जमात हैं, तो वो जमात नहीं है, एक दूसरे से आप दुश्मनी रखते हो, बुक्स रखते हो एक दूसरे मुसलमान के ऊपर, तो वो फिरका ही है, उसको मानना पड़ेगा कि वो फिरका है। तो अब कामयाब जब हो सकते हैं, सबसे आखिरी अथॉरिटी कुरान होनी चाहिए, कुरान में कह दिया वो चीज़ को हमको सबसे मुकदम रखना पड़ेगा, तो हमारे अंदर ये इत्तेहाद भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व सहाबी अजमईन। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यशर ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलल उक़दतु मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ इस हफ्तेवारी दरस कुरान के लिए जमा हुए हैं। इस मुख्तसर से वक्त में इत्तेहाद मुस्लिम या इत्तेहाद मिल्लत, इस उन्वान के ताल्लुक से चंद बातें रखूँगा। सबसे पहले इसकी शुरुआत एक शेर से मैं करूँगा कि मनफात एक है इस कौम की और नुकसान भी एक, मनफात एक है इस कौम की और नुकसान भी एक, एक ही सबका नबी दीन भी और ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी और कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात होती जो होते मुसलमान भी एक। अब ये सुनाया जाता है, पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है और वाहवाही की जाती है कि वाकई में क्या शेर है, अल्लामा इकबाल का शेर है, लेकिन अमल इस पे नहीं होता, सिर्फ इसको सुनाया जाता है। तो कॉन्फ्रेंसेस होती है इत्तेहाद की, इत्तेहाद मुस्लिम की, इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस, सब लोग इकट्ठे होते हैं, एक हो जाओ, सब बात की जाती है और शेर सुनाया जाता है, लेकिन इस पर अमल नहीं होता। सब कुछ एक होने के बाद भी इस पर अमल नहीं होता, ये हमको देखने को मिलता है। सिर्फ वाहवाही होती है, लोग उसकी दाद देते हैं, सिर्फ एक जुमलेबाजी बनकर आज रह गया है, क्योंकि हर जो मसलक है या जो जमातें हैं या जो भी काम कर रहे हैं दीन के लिए, चाहे जो भी मुसलमान की अलग 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 जो भी बनी हुई हैं, चाहे मिल्लत हो या कोई तंजीम हो, सब अपने अपने हिसाब से कौम को एक करने के लिए काम करते हैं। महफिल सजाई जाती है, लोगों को बुलाया जाता है, उसमें ये शेर पढ़ा जाता है कि भाई एक हो जाओ, एक हो जाओ, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ वो जुमलेबाजी बनकर रह जाता है, उसका इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता, कोई एक उसके अंदर नहीं होता है। और मुसलमान जुमलेबाज नहीं होता है, मुसलमान अमलबाज होता है, सिर्फ जुमलेबाज नहीं होता कि सिर्फ कह दे और उस बात को ख़त्म हो जाए वहीं पर। मुसलमान वही होता है जो जो अमल करता है, तो अमलबाज होना चाहिए मुसलमान, जुमलेबाज नहीं होना चाहिए। तो इत्तेहाद की जो बुनियाद है, तो इत्तेहाद दीन की बुनियाद है, ये हम जाने, इत्तेहाद दीन की बुनियाद है। अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो इस दीन के अंदर बिगाड़ और इसका गलबा जो घटता चला जाएगा, और इत्तेहाद है जिससे हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इत्तेहाद से कामयाबी मिल सकती है। और ये इत्तेहाद था जब ये इस्लाम दुनिया पर गालिब था, मुसलमान दुनिया पर गालिब थे जब ये इत्तेहाद था, और दुश्मन उस पर नज़र नहीं उठाता था, यानी दुश्मनों को देखना मुसलमानों के ऊपर जब इत्तेहाद उनके अंदर था तो किसी की ताकत नहीं थी कि उनकी तरफ नज़र उठाकर देखे। लेकिन अफसोस की बात है कि हमने आज इत्तेहाद को छोड़ दिया, और इत्तेहाद छोड़ा तो उसकी वजह से आज हम देखते हैं कि हम कहीं पर भी एक नहीं है, चाहे छोटा मुल्क हो या मुल्क ही तौर पर एक नहीं है कि सारे मुसलमान मुल्क एक हो जाए, तो कहीं हमको उसके अंदर एकता हमको नहीं मिलती है क्योंकि हमने इत्तेहाद को छोड़ दिया। और इस इत्तेहाद के करने के लिए इतनी सारे हमको अमल दिए गए, एक नमाज सबसे बड़ा इत्तेहाद का मरकज़ था हमारा, कि नमाज के 5 वक्त की नमाज, ताकि जितने मुसलमान
जो एक मोहल्ले में होते हैं, मोहल्ले में एक मस्जिद है, उस मस्जिद में हर 5 बार जमा हो, इससे बड़ा इत्तेहाद का दर्स और कहाँ मिलेगा आपको कि एक बार नहीं, महीने में नहीं, हफ्ते में नहीं, आपको रोज़ जमा होना है मुसलमानों को एक मस्जिद के अंदर। ये इत्तेहाद था। फिर उससे बढ़कर इत्तेहाद दिया कि ये सब तुम अपने अपने मोहल्ले में जमा होते हैं तो तुमको एक पूरे 10-12 मोहल्ले मिलाकर एक मस्जिद में जमा होना है, जिसको हम कहते हैं जुमा मस्जिद, ताकि सप्ताह के अंदर और बड़ा तुम्हारा कॉन्फ्रेंस हो और तुम फिर उसके बाद और ज़्यादा जमा हो, तुम्हें इत्तेहाद आए। फिर महीनों को छोड़कर इस्लाम ने एक और दिया कि हमने तुमको ईद दी है, 2 ईदें हमने तुमको दी है, ताकि अब तुम यहाँ पर जो मोहल्ले मोहल्ले के अंदर जुमा मस्जिद में जमा हो रहे थे, तो अब तुम पूरे के पूरे शहर बल्कि गांव सारे मिलकर एक ईदगाह में जमा हो, ताकि तुम में इत्तेहाद आ जाए, इत्तेहाद हो। ये इत्तेहाद के हमको जोड़ा गया इसके लिए। फिर इससे बढ़कर और दिया गया कि ये साल में 2 बार हो रहा है तो साल में 1 बार और होना चाहिए जो इससे बड़ा जलसा हो और वहाँ जमा होना है, तो फिर हमको हज दिया गया। अब उसके अंदर सिर्फ मुल्क की बात नहीं है, तुम्हारे स्टेट की बात नहीं है, तुम्हारे शहर की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है कि पूरे दुनिया के लोग एक जगह जमा हो जाए सारे मुसलमान, और इत्तेहाद का दर्स हमको इस्लाम ने दिया कि ताकि तुम सारे के सारे वहाँ पर जमा हो जाओ। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमने इसको छोड़ दिया, बल्कि जो वहीं से बढ़ गए जहाँ से इसकी शुरुआत थी, वो थी 5 वक्त की नमाज, और वहीं से बढ़ गए, वहीं से हमारी मस्जिदें अलग अलग हो गई कि ये मस्जिद इस फिरके की है, इस जमात की है, इस मसलक की है, उसके अंदर दूसरा नहीं आएगा, उस पर एक दूसरे को फतवे देने शुरू कर दिए, तो इत्तेहाद को हमने वहीं से तोड़ दिया। तो अब वहाँ जाकर हम सोचें वो क्या मिसाल बनेगी कि पूरी दुनिया के लोग एक जगह जमा हो जाएं हज पर, तो क्या वो मिसाल, तो जमा हो रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। तो हमने वहीं से तोड़ दिया जहाँ उसकी बुनियाद थी, हमने वहीं से, मस्जिद में नमाज आज भी हो रही है 5 वक्त, लोग आ रहे हैं, लेकिन अपने अपने मसलक, अपने अपने मसलकों की मस्जिद के अंदर, अपनी अपनी जमात के अंदर लोग नमाज पढ़ते हैं, और एक दूसरे को रोका जाता है, बल्कि पोस्टरबाजी वहाँ लगा दिया जाता है, इनको नहीं आने दिया जाएगा, ये हमारे खिलाफ है, ये है। और ऐसे उनकी बुनियाद भी इतने छोटे छोटे मसले हैं जिसकी मसले की बुनियाद पर उनको रोका जा रहा है, और जबकि वही जो शेर में था कि जिनका कुरान भी एक, अल्लाह भी एक, नबी भी एक, तो नबी को अगर वो देखें, और नबी को देखें तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुनाफिक को रोका मस्जिद में आने से? क्या उनको नहीं मालूम था? कुरान में सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ने मुनाफिकों के ताल्लुक से 10-12 आयतें बता दी कि ये मुनाफिक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कौन मुनाफिक है। तो आप बताइए कि एक मुसलमान जो दूसरे मसलक का है, जिसमें एक सिर्फ फौरी इख्तिलाफ है नमाज के, कोई डिफरेंस है इसका, आप उसको नहीं आने दे रहे, और ये अल्लाह के रसूल को मुनाफिक को नहीं रोका, वो पहली सब में सबसे पहले आकर खड़े होते अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाते, तो ये तो सीधी सी बात है, या तो हम सिर्फ दावा कर रहे हैं कि हम कुरान और सुन्नत पर हैं, ये तो सुन्नत पर अमल ही नहीं हो रहा उनकी ज़िंदगी पर, जबकि वो मुनाफिक जैसी मुनाफिक जिसके ताल्लुक से जो है अल्लाह के रसूल खुद फरमाए कि ये मुनाफिक जहन्नम के सबसे घेरे गड्ढे में होंगे, नीचे होंगे, सबसे नीचे होंगे। यहाँ ना यह कहीं काफिर कहा, ना ये कहा कि ये दुश्मन था, या ना फिरौन का कहा कि अल्लाह का दुश्मन था, सबसे नीचे मुनाफिक होगा, क्यों आस्तीन का सांप होता है, लेकिन उसको भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद में आने से नहीं रोका। और ये बड़े अफसोस की बात है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम ये देखें तो इत्तेहाद जो था वो हमारा आज देखते हैं कि ख़त्म हो चुका, और ये सब अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा था हमारे पास, ये हमको सारे स्टेप्स दिए थे कि दिन के अंदर एक दिन में 5 बार, उसके बाद फिर सप्ताह में 1 बार, इसके बाद महीने में, फिर उसके बाद में साल में 2 बार, फिर उसके बाद पूरे साल का 1 बार हमको ये इतना सारा ये दिया था, लेकिन हमने इसको, अफसोस की बात है, इसको जाया कर दिया, और रब का तोहफा था उस अल्लाह का, उस रब के तोहफे की हमने कदर नहीं की, तो इसकी वजह से आज हम पर जो मुसीबतें वो सब चीज़ें देख रहे हैं कि हमारे साथ मसाइल पेश हो गई। अल्लाह ने फरमाया सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 29 में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो उनके साथ हैं वो कुफ्फार पर सख्त हैं और आपस में रहम दिल हैं। क्या कहा? कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके साथ हैं वो कुफ्फार पे तो सख्त हैं, लेकिन अपने आप में एक दूसरे पर वो रहम करने वाले, रहम दिल। और हमारी हर जमात, हर तंजीम, हर मसलक यही दावा करता है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लम के साथ, उनके साथ में, उनको मानने वाले। लेकिन यहाँ जब ये कुरान में ये कहा, वो सहाबा ने वो करके दिखाया, लेकिन यहाँ अफसोस की बात है कि ये आपस में सख्त है और कुफ्फारों पर रहम दिल है,
आज मसला ही हो गया, उल्टा हो गया उसको, जो हमको बताया उससे आज उल्टा हो गया। ये आपस के अंदर एक दूसरे के यहाँ रोटी बेटी खाना पीना इन्होंने अपने आप पर हराम कर लिया, और गिरोह के यहाँ पर खा रहे हैं, उनसे दोस्ती, उनसे बिजनेस ताल्लुकात है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गिरोह से नहीं रखे, उनसे भी रखना ही है, नहीं तो दीन की जो अच्छाइयाँ कैसे पहुँचाएंगे हम तो। लेकिन आपस के अंदर जो करना था वो आपस में छोड़ दिया, तो ये तो कुरान के भी खिलाफ हो गया, जो अल्लाह ने खुद कहा इनके मानने वाले के लिए तो होना चाहिए। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 105 में अल्लाह फरमाता है कि तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने रोशन दलील आ जाने के बाद भी तफर के डाल दिए, ने इख्तिलाफ किया और इन्हीं के लिए बड़ा अजाब। यानी रोशन दलील थी आपके पास में, क्या सूरह फतेह की आयत नहीं पढ़ी किसी ने? बड़े बड़े हुफाज से पढ़ते हैं, मालूम है उनको, तो ये रोशन दलील थी उनके पास, अल्लाह के रसूल की सीरत उन्होंने पढ़ी है, तो उनके पास रोशन दलील, उसके बाद आने के बाद में तुमने इख्तिलाफ किया, आपस में तफर के डाले अपने, तो तुम्हारे लिए ही बड़ा अजाब है। तुम देख रहे हैं अजाब क्यों आ रहा है, ये क्यों मुसलमान, हर अजाब मुसलमान मुल्कों के अंदर क्यों है, ये तो सोचने की बात है। पूरा मुस्लिम मुल्क है लेकिन अजाब वहीं पर है, चाहे वो कुदरती अजाब आना हो, चाहे तूफान आए, चाहे पानी आ रहा है उसके अंदर, बाढ़ें आ रही है, भूकंप आ रहे हैं उसके अंदर, जलजले हो रहे हैं, या दूसरी कौम उसके ऊपर मुसलत हो रही है, तो फिर ये क्यों हो रहा है? वो तो सारे मुसलमान हैं फिर भी हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये आपस में रोशन दलील होने के बाद में तफर के डाले तुमने आपस के अंदर, तो ये वजह बड़े अजाब की वजह है। तो ये आज हम देखें कि सब तरफ से जिल्लत, वो सबसे बड़ी नहीं, अगर किसी के पास आ रहा है तो जिल्लत तो आ रही है, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की जिल्लत आ रही है, तो जिल्लत भी एक अजाब कि आदमी की इज्जत, उसका रसूख, उसकी कोई पहचान खत्म हो जाती है, तो वो आज हम देखते हैं वो भी हो रहा है। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 46 में कि आपस में इख्तिलाफ ना करो, नहीं तो तुम बुजदिल हो जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। तो आज ये भी हमको देखने को मिल रहा है कि आपसी इख्तिलाफ की वजह से या तो गैर हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, या हमारे कदम नहीं जम पा रहे हैं किसी चीज़ पर, एक ऐसा कोई शोभा नहीं जब मुसलमान के कदम उसमें जम गए, चाहे वो सियासत हो, चाहे कोई सामाजिक वो हो, कह रसूख, कुछ भी, कहीं पर भी कोई फील्ड नहीं हमारे पास कि हवा उखड़ गई कि हमने आपस में इख्तिलाफ किया। तो हमने इख्तिलाफ़ किया तो अल्लाह ने खुद फरमाया, तो ये सब हम कुरान और हदीस और अल्लाह के रसूल वसल्लम की सीरत और सहाबा के जो काम था अमल के ख़िलाफ़ हम कर रहे हैं, तो हमें इख्तिलाफ़ आज पैदा हो गया। अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया कि सही बुखारी की रिवायत हदीस नंबर 2023, वहाँ एक वाक्य अल्लाह के रसूल वसल्लम ने नकल किया कि सबे कद्र की जो रात है, आज हमको कहा गया है कि पूरे महीने में तलाश करो, 10 दिन के अंदर उसको तलाश करो, या 5 ताक रातों में तलाश करो, हम उसको तलाश करते हैं, एक मुकर्रर हमें मालूम नहीं कि कौन सी रात। तो अल्लाह के रसूल सल्लम के यहाँ वाक्य बताते कि अल्लाह के रसूल सल्लम को रात बता दी गई थी कि ये रात है, ये रात है सबे कद्र की, इस रात की इबादत 1000 महीने से बेहतर है। तो मैं बताने के लिए तुमको निकला कि मेरे सहाबा में तुमको बता दूँ कि वो रात जो अल्लाह ने 1000 महीनों से बेहतर की है, मैं ताकि तुमको बता दूँ, और मैं तुम्हें बताने के लिए निकला घर से, वो बताने के लिए आ रहा था कि रास्ते के अंदर 2 फरीक लड़ने लगे, यानी 2 मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, इंसान लड़ रहे थे, 2 जने लड़ रहे थे, दोनों की लड़ाई को मैं उनके झगड़ा सुलझाने में लग गया, और वो जो मुझसे बताई गई थी वो रात मुझसे छीन ली गई, रात में से चली गई। तो एक नेमत किसकी वजह से छीनी? आपस के अंदर लड़ाई की वजह से, आपस के अंदर इख्तिलाफ की वजह से, 2 लोग लड़ रहे थे, वो नेमत हमारे पास से चली गई, जो अजीब नेमत थी, कितनी बड़ी वो नेमत थी जो आज हमसे निकल गई। वजह क्या हुआ? इत्तेहाद की कमी, इख्तिलाफ आपस में रखना। इसी तरह अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह एनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 159 कि जिन लोगों ने दीन को जुदा किया, उसके टुकड़े किए, और आपका ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं, तो जो टुकड़े टुकड़े में बटे और बांटने की कोशिश करते हैं कि हमारा मसलक, हमारा जमात, हमारा ये हक है, बाकी कोई कुछ नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो ये यहाँ पर अल्लाह ने इनके ताल्लुक से यही फरमाया कि ये आए नबी, आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं, जो इस तरह की बातें करता है, जो उसको टुकड़े टुकड़े करवाने की कोशिश करता है। तो ये सोचने की बात है हमको कि नबी का उससे ताल्लुक नहीं, जिनके उस पर हम जा रहे हैं कि मरने के बाद हम वहाँ जाएंगे, वो तो हमारी सिफारिश कर देंगे, तो कैसे सिफारिश करेंगे दुनिया के अंदर, जब तफर के हम डाल के बैठे रहेंगे? तो ये भी एक सोचने की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते, सही मुस्लिम की रिवायत है हदीस नंबर 2890 कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से, अल्लाह से 3 चीज़ें मांगी वहाँ पर, कि 3 चीज़ें, 3 दुआएँ, 3 विश अल्लाह के रसूल सल्लम ने मांगी कि अल्लाह मेरी कौम को पिछली कौम जैसे हलाक मत कर देना एक साथ। पिछली कौम में हमने देखा एक साथ
آتے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم ایک ساتھ پوری ہلاک ہو گئی، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، سارے واقعات قرآن کے اندر ہیں، پوری قوم کو ایک ساتھ ہلاک کر دیا گیا، تو اللہ نے کہا کہ ان کی دعا کو قبول کر لیا کہ نہیں کریں گے ہلاک۔ پھر اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اللہ میری قوم کے اندر قحط سالی میں ہلاک نہیں ہونی چاہیے، یعنی بیماری تعاون ایک ساتھ پھیلے، جس طرح ہم دیکھتے تعاون پھیلتا ہے تو ایک ساتھ لوگ مرتے ہیں ایک کے بعد ایک، تو فرما دیا، انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پوری قوم کو بھی ہم ایک ساتھ بیماری کے اندر تعاون کے اندر ایک ساتھ ہلاک نہیں کریں گے، وہ بھی قبول ہو گئی۔ جب اللہ کے رسول وسلم یہ دعا کی کہ اللہ کہ میری قوم میں اختلاف نہ ہو، اللہ نے دعا کو قبول نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اب اس بحث میں جائیں کہ اللہ کے رسول وسلم دعا کریں اور کیوں اللہ قبول نہ کرے، وہ اس لیے کہ اللہ پسند ہی نہیں کرتا اس چیز کو کہ اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، تو اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے، اور وہ اس کے لیے قرآن واضح کر دیا اور اس کے اندر ہزاروں آیت رکھ دی کہ یہ اتحاد تم کو اس طرح قائم کرنا ہے، اس دعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ جو رب دعا کو قبول نہ کرے وہی کام ہم کریں، جو اللہ پسند ہی نہیں کرتا اس کو اپنے پاس رکھنا ہی نہیں چاہتا اس چیز کو، تو اللہ نے رکھا ہی نہیں اس کو کہ میں رکھتا ہی نہیں اختلاف والے مسئلے کو میرے پاس، تو اللہ نے پسند نہیں کیا، تو یہ بھی افسوس کی بات ہے۔ صحیح ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث نمبر 2641 کہ پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے اور میری اس امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ صحابہ نے کہا کہ 73 ہوں گے، حق پر کون ہوگا؟ تو حق پر وہ ہوگا جو میرے طریقے پر ہو، تو میرے طریقے پر تو اتحاد اس پر تو کیا جا سکتا ہے کہ سب کے سب لوٹ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو اتحاد قائم ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو اللہ کے رسول طریقے پر آ جائیں تو اتحاد قائم ہو سکتا ہے، تو نبی کے طریقے پر آ جائیں تو ایک ہو سکتے ہیں، اور یہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے کہ اللہ کے نبی تھوڑی الگ الگ کہ بھائی میں جو پوری کو ایک چھوڑ کر آیا تھا اور سب الگ الگ جائیں، تو راستہ تو ایک ہی بتایا، وہی اللہ کے رسول جنت کا راستہ کھولیں گے، تو ایک جب ہو جائیں ایک طریقے پر آ جائیں تو اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، تو یہی بنیاد ہے اتحاد کی، اور قرآن اور حدیث جو کہیں وہ کرنا ہے، وہ اس کو ہم کو چھوڑ دینا، باقی کو ہم کو چھوڑ دینا۔ ہاں اس کے اندر یہ بھی فرمایا گیا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور امیر کی بھی اطاعت کرو۔ تو ہم بات ماننے کو کہا گیا ہے کہ امیر کی بات بھی مانیں، جو تمہارے اندر قوم کا بڑا ہے، جس کو تم نے چنا ہے تو تمہارا لیڈر ہے، تم اس کی بات بھی مانو، لیکن اگر کسی چیز میں پھر اختلاف ہو جاتا ہے تو لوٹا لاؤ اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف، وہاں پھر وہی دیا کہ لوٹا لاؤ، نہیں تو پھر یہ تفرقے میں جائیں گے۔ تو اللہ نے وہاں کہہ دیا واضح کہ بات تو تم کو ماننا ہے، لیکن کہاں تک ماننا ہے، جہاں پھر اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو اب تم کو واپس اتحاد پھر لوٹانا ہے۔ کیسے لوٹانا؟ واپس وہ لوٹ کر آؤ، نہیں تو اگر اسی پہ جاؤ گے تو پھر تم بڑھ جاؤ، اور یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے آج سب سے بڑی وجہ، کیونکہ ہم وہ اس کی بات کو لے کر اللہ کے رسول اور قرآن کی بات کو چھوڑ دیتے اور اس بات کو لے لیتے، جبکہ وہاں تو کہا گیا تھا کہ لوٹا لاؤ واپس، تو ہم نے لوٹایا نہیں۔ تو بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے وہ اللہ کو مانتا ہوں، میں رسول کو مانتا ہوں، میں جان دے سکتا ہوں، جان لے سکتا ہوں، سب اس میں، لیکن یہ سب ہونے کے بعد میں اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے، تو مسئلہ یہاں آ رہا ہے کی نہیں مان رہا ہوں، ماننے سے مراد یہ کو تو مان رہے لیکن کی نہیں مان رہے، تو اصل مسئلہ یہاں پر ہے۔ تو یہ اور اختلاف تو ہونا ہی ہے، کیونکہ اختلاف تو ہوتا ہے، لیکن رائے کا اختلاف ہونا چاہیے، رائے کا اختلاف ہمرے میں ہر جنے میں ہوگا، اللہ نے سب کو الگ الگ ذہن دیا، اللہ نے سب کو الگ الگ پیدا کیا ہے، تو رائے کا اختلاف تو ہونا ہی ہے، رائے کا اختلاف تو ہوگا ہی، تو لیکن جسم کا اختلاف تو نہ ہو، کیونکہ ہمارے یہاں تو مسلک مسلک دوسرے کو مارنے کاٹنے اور یہ ایسی باتیں اس کے اندر ہو رہی ہیں، تو رائے کا اختلاف تو وہ ایکسیپٹیڈ ہے کہ کیا جائے گا، ہوگا، وہ تو ہم کو ملتا بھی ہے کہ رائے کا اختلاف تو ہوگا، لیکن یہ جسم کا اختلاف، ذات سے اختلاف، دشمنی اس سے، آپ اس کو تو دیکھنا نہیں چاہتے، اس سے سلام کلام آپ نے بند کر رکھا ہے، تو یہ تو ذات کا اختلاف ہے، تو رائے کا اختلاف تو ہوتا ہے، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں، یہ تو پھر بہت بری بات ہے، کیسے ہو سکتے ہیں مومن ایک دوسرے کے دشمن؟ اور صحابہ اور رائے کا اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا، سلف کے اندر بھی تھا، ہم پڑھتے ان کی سیرت ہم کو ملتا ہے کہ ان کے اندر بھی یہ چیزیں تھیں، اختلاف ان میں بھی تھا، لیکن ایک دوسرے سے تو نہ کریں کم سے کم دشمنی۔ برائی سے لڑنے کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے، کس سے بھیجا گیا ہے؟
हमको भेजा गया कि बुराई से लड़ने के लिए, कि तुम बुराई से लड़ो, इसलिए भेजा। बुराई करने वाले से आपको नहीं लड़ना है। किससे लड़ना है? जो उसका अमल गलत है उससे लड़ना है, उस जात से नहीं लड़ना है जिसके पास वो अमल है कि भाई तू ये गलत कर रहा है, तुम तेरे से दुश्मनी मेरी नहीं है, मैं तुझे अच्छा आदमी मानता हूँ, लेकिन तू ये अमल करता है ये बुरा है। तो असल लड़ाई ये होनी चाहिए कि हमको जात से लड़ना अल्लाह के रसूल ने नहीं सिखाया, बुराई से लड़ना हमको सिखाया। तो हमको असल क्या है कि बुराई से लड़ना है। तो राय का इख्तलाफ तो हमको मिलता है, और राय का इख्तलाफ अंबिया के अंदर कुरान में अल्लाह ने बयान किया। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 78 के अंदर आता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंदर, जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने कोई फैसला दिया है, खेती का कोई मसला था, तो उसके अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दूसरा फैसला दिया, अल्लाह ने उनके फैसला सुना दिया, तो उन्होंने दूसरा फैसला दिया। तो लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि इख्तलाफ में बढ़ गया कि मैं तो तुमसे पहले का रसूल हूँ, तुम तो बाद में बने हो, तुम बाद में तुमको नबी बनाया गया। लेकिन उन्होंने मान लिया, क्यों? राय का इख्तलाफ था। राय का इख्तलाफ तो कुरान के अंदर भी हमको मिलता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम में था, लेकिन जात का इख्तलाफ नहीं। तो राय का इख्तलाफ तो हो सकता था, आपस में राय का इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन जात का इख्तलाफ ये बड़ा इंतहाई ख़तरनाक है जो आज हम देख रहे हैं, ये हो रहा है। तो पहले भी था, और राय का इख्तलाफ रहना ही है, क्योंकि ये कयामत तक रहना है, क्योंकि हर इंसान का जहन अलग अलग है, और अपने जहन से वो सोचता है। कोई किसी हदीस और कुरान की आयत से कुछ अलग मसला निकालता है, कोई कोई उससे मामला अलग अखस करता है। तो राय का इख्तलाफ तो रहता है, लेकिन जात का इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है हदीस नंबर 2564, कि आपस में हसद ना करो, तुम आपस में ये लोगों तुम आपस में हसद ना करो, और आपस में तुम एक दूसरे को धोखा ना दो, आपस में तुम बुग्ज़ ना रखो, और तुम आपस में कीना ना रखो, आपस के अंदर एक दूसरे से तुम बेजार ना हो जाओ, और कोई इसके अंदर आपस के अंदर एक मुसलमान कहीं सौदा कर दे तो सौदे पे सौदा भी ना करे। तो आपस में ये ना करो, और ये अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। कितना सारा बताया है, जहाँ तो हसद करो ना, तुम धोखे दो ना, कोई किसी के सौदे पे सौदा करे, तो ये सब तुम ना करो, और आपस में अल्लाह के बंदो तुम आपस में भाई भाई बन जाओ। तो यहाँ इत्तिहाद दिया गया कि इन चीज़ों के अंदर करना ही नहीं, और सारे शोबे इसमें बयान कर दिए। हसद, क्योंकि आज क्या बुनियाद क्या है, एक दूसरे से इख्तलाफ क्यों करते हैं? हसद, जलन एक दूसरे के खिलाफ, ये कौम बढ़ रही है, हमारी कम हो रहे हैं, ये इनके पास में, ये हमारे पास में, हसद एक दूसरे से, धोखा। और मुसलमान, अफसोस की बात है कि जो पहचाने जाते थे अपनी ईमानदारी सच्चाई के लिए, आज एक दूसरे धोखे के लिए पहचाने जाते हैं, धोखे की वजह से आज दूसरे से पहचाने जा रहे हैं। तो मामला तो ये भी हम देखें, और एक दूसरे से सूदों के ऊपर सौदे क्या नहीं हो रहे, तो ये भी हमारे इख्तलाफ की वजह है। तो भाई भाई बनने को कहा, ताकि हमारे अंदर इख्तलाफ ना हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोड़ा कि तुम आपस में जुड़ जाओ। इसी तरह जो और इत्तिहाद का सबसे जो मेन बुनियाद था, कि इत्तिहाद किस चीज़ से कायम किया जाता है, वो क्या था? वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है हदीस नंबर 54, कि तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, ए मेरे साहबा ए लोगों, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम ईमान ना लाओ। बुनियाद है वो, उसके बिना कोई जा ही नहीं सकता जन्नत, उसकी बुनियाद ईमान, उसको लाना पड़ेगा तब वो जा हो सकता है। और तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लगो। तब मोहब्बत नहीं है तो मोमिन नहीं है अपने आप को, चाहे जो कहता रहो, जो कहता हो, तो वो मोमिन नहीं है, क्योंकि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं तो वो फिर मोमिन नहीं है। और मैं ए मेरे सहाबा ए लोगों में तुमको ना बता दूँ कि वो मोहब्बत क्या है, वो मोहब्बत कैसे कायम होगी, कैसे बढ़ेगी, तो वहाँ जो बताया गया जो मेन है, मेन मकसद के कैसे बढ़ेगी ये मोहब्बत, तो मोहब्बत के तुम आपस में सलाम को आम करो, सलाम को आपस में फैलाओ, क्योंकि सबसे पहला जरिया एक दो जने मिलते हैं तो सलाम होता, लेकिन सलाम को हमने मखसूस कर लिया, या तो लोग सलाम को जो इनमें इख्तलाफ भी नहीं तो करते ही नहीं, और सलाम तो जब करेंगे तो दाढ़ी टोपी वाला दिखे, तब वो करेंगे, नहीं तो करते ही नहीं। या एक दूसरे की जमात से सलाम नहीं करना, किसी ने तो उस पर फतावी दे दिए कि इससे सलाम करना ही बेकार है। तो ये सबसे पहली बुनियाद थी, हमने छोड़ दिया, आपस में एक दूसरे को सलाम नहीं करते, तो सलाम को आम करो। तो ये तो अफसोस की बात है कि कौम के बड़े रोकते हैं कि एक दूसरे से सलाम मत करो उस मसलक के लोगों से, और कितने खिलाफ है, कुरान और हदीस के कितना खिलाफ जा रहा है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लम ने बतला दिया। तो ये हम देखते हैं तो सलाम कलाम बंद कर परवा दिए, इसको भूल भी गए, बल्कि हम तो करते ही नहीं एक दूसरे से। तो ये इख्तलाफ और इत्तिहाद की बुनियाद था। तो आज इख्तलाफ में हम पढ़े हुए, अल्लाह ने फरमाया सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 9 और 10 में, कि मुसलमान की जमात में अगर आपस में लड़ाई हो जाए तो तुम मिलाप करा दिया करो। क्या कहा उसके अंदर? तो हमारे यहाँ होता है कि लड़ाई हो गई, मुसलमान दो मुसलमान एक जमात का दूसरी जमात से लड़ गया,
तो वो आकर कहे कि भाई वो जमात का इससे लड़ गया तो ये पूरी जमात आ जाएगी, चलो कैसे लड़ गया उसके, तो ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारे फ़र्द को कैसे उसने कर दिया। जबकि कहा कि दोनों मुसलमान हैं तो इसमें तो ये लड़ाई हो गई, भाई बैठो, दोनों में से बुलाए कि भाई बैठो, इख्तलाफ तुम्हारा ख़त्म करेंगे हम, आपस में फैसला उनमें करवा दिया करो, ये कह रहा है कुरान। और फिर अगर दोनों लड़े तो फिर तुम इनसे लड़ो, किन से लड़ो कि अगर तुमने बुनियाद किसी बुनियाद पर उनसे फैसला करा दिया कि भाई इस चीज़ पर तुम्हारी हमने जो है फैसला कर दिया और इसके खिलाफ अब तुम दोनों नहीं करोगे, अगर उसके खिलाफ फिर वो दोनों करते हैं तो फिर जिसने अगर ये जाति की तो तुम सब मिलकर उससे लड़ो ताकि वो इख्तलाफ वहीं ख़त्म हो जाए, उसको मालूम पड़ जाएगा तो सब एक हो गए इस फैसले की बुनियाद पर जो अल्लाह ने कहा था, तो वो दब जाए वहाँ पर ताकि तुम्हारे अंदर फिर तफरके ना पड़े, तो वो उसमें कहा गया। तो वो जाति करे तो वहाँ तक लड़ो जब तक कि अल्लाह का हुक्म की तरफ ये लूटना है, तो अल्लाह के हुक्म की तरफ लूटना है जब तक तुमको सबको मिलकर उससे लड़ना है जो मुखालफत करता है अल्लाह के उसकी, तो इंसाफ करो, अल्लाह इंसाफ करने वाले से मोहब्बत करता है। और याद रखो मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, वो दो भाइयों में मिलाप करा दिया करो, या कुरान में फरमा दिया वसूल इख्तलाफ ख़त्म करने के लिए कि ये आपस में तुम ये ना करो। तो अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और हम ये बात है कि हमारा इख्तलाफ होता है तो हम डरते ही नहीं कि भाई अल्लाह की रहमत है हमसे छिन रही है, फरिश्ते दूर हो जाते हैं दो जने लड़ते हैं उससे, तो इतनी बड़ी नेमत सब कदर की हमारी छिन गई आपस में लड़ने की वजह से, तो रहम ख़त्म हो जाता है, रहम आता ही नहीं है। तो अगर तुम चाहते हो तो ये काम करो तो तुम पर रहम किया जाएगा। लेकिन और आज एक होना वक्त की ज़रूरत है, अगर हम आज नहीं एक होते और इख्तलाफ ख़त्म नहीं करते और एक नहीं होते, तो नहीं हर आदमी पेपर पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, सियासत को जानता है, उसको मालूम है कि हम एक नहीं है तो उसकी वजह से हमारे अंदर कितने तफरके फिरके पड़ रहे हैं और हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, हमारी हवा खुड़ती जा रही है, ये सब हमको मालूम है। तो यहाँ क्या एक होने का तरीके वो भी कुरान में बताएं, हदीसों में बताएं, हमने देखा तो यहाँ अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में अल्लाह फरमाता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफरके ना डालो, फिरकों में ना बटो, क्योंकि एक रस्सी को पकड़ लो जो अल्लाह ने कहा उस हुक्म को पकड़ लो, यानी जो अल्लाह ने कहा वो सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके ऊपर हम सबको एक होना चाहिए कि अल्लाह की बात आ गई उसके सामने किसी की बात नहीं मानेंगे, चाहे जो हो, चाहे जिस किताब में लिखा हो, चाहे जो कह रहा हो हम नहीं मानेंगे, सिर्फ अल्लाह की बात मानेंगे, उसकी आयत आ गई उसने जो कह दिया हम उसको मानेंगे, तो वो रस्सी पकड़ना हुआ तो हम वो रस्सी पकड़ लें तो उसके बाद तुम फिरकों में ना बटो। लेकिन मसलक की बुनियाद अलग है, मसलक की बुनियाद बनाई जा सकती है, मसलक एक तंजीम एक तहरीम अलग बनी किसी काम के लिए वो बनाई जा सकती है, लेकिन वो काम के हद तक उसको वहाँ पर करें, लेकिन उसको अगर लेकिन वो एक दूसरे के खिलाफ काम करे तो फिर तफरका है, वो फिरका है, चाहे वो मुसलमान का हो वो फिरका हो गया, मसलक की बुनियाद पर तो उसको कबूल किया जा सकता है, लेकिन अगर एक दूसरे से लड़ रहे हैं इस बुनियाद के ऊपर तो वो फिरके, वो फिरके। और यही कहा यहाँ पर कि फिरके में ना बटो। तो फिर और दूसरी चीज़ ये है कि हर जमात अपने हिसाब से काम करती करे, लेकिन दुश्मनी तो नहीं करे, अगर एक दूसरे से दुश्मनी रखती है तो वो तफरके हैं, वो फिरके में चली जाएगी, अगर दुश्मनी रखते हैं तो फिरके हैं, फिर वो नहीं कहे चाहे कि मैं फिरका नहीं हूँ, हम फिरके नहीं हैं, हम तो खाली जमात हैं, तो वो जमात नहीं, एक दूसरे से आप दुश्मनी रखते हो, बुक्स रखते हो एक दूसरे मुसलमान के ऊपर, तो वो फिरका ही है, उसको मानना पड़ेगा कि वो फिरका है, चाहे वो कितने ही लाख उस पर दलील दे, क्योंकि कुरान से हमको यही मिलता है। और इसके अंदर इत्तेहाद की बात हर जमात में होती है, हर जमात जितनी जमातें हमारी सब इत्तेहाद की बात करती है, भाई एक हो जाओ, सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है एक हो मुस्लिम, इत्तेहाद मुस्लिम, इत्तेहाद मिल्लत, और सब बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ बोल रहे हैं, एक जमात खड़ी हुई अपने, उसने एक प्रोग्राम रखा अपना इत्तेहाद कायम करो, वो पोस्टर लगा दिया, बैनर लग गए, फ्लेक्स छाप दिए, और इत्तेहाद की बात वहाँ से वो कर रहे हैं, कौन अपनी जमात वालों को सुना रहे इत्तेहाद करो भाई इत्तेहाद करो। एक दूसरी जमात खड़ी हो गई, उसने भी अपना एक देखा कि इन्होंने इत्तेहाद का स्टेज लगाया, अपने भी स्टेज लगाओ, उन्होंने भी बैनर छाप के लगा दिए बड़े बड़े, चलो इत्तेहाद करो इत्तेहाद करो, वो भी अपने आपस में इत्तेहाद कर रहे। अरे वो इत्तेहाद होगा कैसे, तुम एक दूसरे के स्टेज पर नहीं जाओगे तो कहाँ से इत्तेहाद होगा, तुम आपस के अंदर अपने अपने इत्तेहाद में लगे हो, सब खाली कह रहे हो कौन से, तो जुमलेबाजी हो गई, सब अपनी जगह खड़े होकर बोल रहा है भाई इत्तेहाद करो इत्तेहाद करो। इत्तेहाद तो तब होगा ना कि जब आप उस जमात के स्टेज पर जाएं, वो जमात आपकी स्टेज पर आए, दोनों मिलकर बात करें वहाँ पर, दोनों के लोग वहाँ पर जमा हो, तब तो इत्तेहाद होगा, अपने अपने इत्तेहाद के बनाने से, उसके अंदर वो करने से कहाँ से इत्तेहाद होगा, तो इत्तेहाद तो तब होगा। तो अब ये एक दूसरे का शेयर, एक स्टेज को शेयर नहीं कर रहे, फिर इत्तेहाद कहाँ से आएगा। तो आपस में सबसे पहले कि आपस के अंदर मुसलमान को एक होना, ये उलमा एक हों सबसे पहले, इत्तेहाद कब होगा
कि जब उलमा एक हों, तो उलमा एक नहीं हो रहे, सिर्फ अपने अपने स्टेज से अपनी अपनी जमात से अगर वो चीखते चिल्लाते रहे कहते रहे कि एक हो जाओ, तो कहाँ से एक हो जाएंगे। तो इत्तेहाद के लिए तो सबसे पहले कि उलमा एक हों, तो आवाम तो उनके पीछे, वो तो खुद ब खुद एक हो जाएंगे। तो फिर खाली पब्लिक से कहना, आवाम से कहना कि एक हो जाओ, इत्तेहाद करो, इत्तेहाद करो, कहाँ से इत्तेहाद होगा। तो यहाँ पर ये हमको समझने की ज़रूरत है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 के अंदर, और यहाँ कहा गैर मुस्लिमों से खिताब किया कि आओ उस बात की तरफ जो हमें तुम में इक्सा है, कि आओ उस बात की तरफ जो हमें तुम में इक्सा है, और हम एक अल्लाह की इबादत करें और उसके किसी को शरीक नहीं बनाएं, और अगर कोई इस बात से पलट जाए तो कहोगे मैं मुस्लिम हूँ, कि तुम गवाह रहना मैं मुस्लिम हूँ। तो अब हमारे यही है कि नहीं, तो सबसे पहले तो गैर मुस्लिम को सुनाने से पहले तो हमको सुनाने की ज़रूरत है कि आओ उस बात की तरफ जो हमें तुम में इक्सा है, तो हमें तुम में इक्सा है उस पर तो कम से कम आओ, वो राय का इख्तलाफ अब छोड़ दे, लेकिन कम से कम उस बात पर तो आएँ कि कौन सी बात, कि किताब एक है, ये अल्लाह एक है, ये रसूल एक है, उसके तरीके एक है, तो इस कम से कम इस बात पर तो आएँ, तो इख्तलाफ ख़त्म किया जा सकता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास में ये है कि वहाँ लिखा तो होता है पोस्टर पर, क्या लिखा हुआ पीछे बैनर लगा हुआ बड़ा 30x40 का, इत्तेहाद मुस्लिम, इत्तेहाद मिल्लत, ये पोस्टर हम लगा रहे हैं। अब उसके ऊपर अब बुनियाद क्या, सबसे पहले क्या बुनियाद होनी चाहिए कोई भी चीज़ की, अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर बिल्डिंग को खड़ा करना तो उस पर क्या चाहिए, हमको चाहिए बुनियाद। बुनियाद हो गया ऊपर पूरी बिल्डिंग बना दे 10 माले की, अगर आपने उसकी बुनियाद नहीं रखी तो बिल्डिंग थोड़ी सी हवा में गिर जाएगी, बुनियाद उसकी होनी चाहिए। तो बगैर बुनियाद, तो सबसे पहले तो बुनियाद तय होनी चाहिए, खाली अपने अपने स्टेज से बोलने से कुछ नहीं होता, कि इत्तेहाद हो, बुनियाद तय करें कि बुनियाद क्या होगी इसको एक करने की, तो बुनियाद तय करना। तो बुनियाद हम, अब बुनियाद क्या हो सकती है, तो बुनियाद तो सबकी एक है, जो इसके आयत में भी फरमा गया क्या उस बात की तरफ जो हमें तुम में एक सा एक रब की इबादत करें, तो ये हमारी बुनियाद है, तो तौहीद बुनियाद है, तो तौहीद बुनियाद है। लेकिन अब बात मसला यहाँ पर आता है कि तौहीद बुनियाद है, तो तौहीद का तो हर मसलक हर उलमा अपने अपने हिसाब से उसकी जो उसको समझ रखते हैं, अपने हिसाब उनका फहम है तौहीद का। कोई एक एक शख्स एक जो है जमात कह रही है कि तौहीद में ये चीज़ें शिरक वगैरह, ये शिरक नहीं है तौहीद में, इसको शिरक नहीं कहा जाता, तो ये बुनियाद भी हमारी आपस में नहीं बन रही कि तौहीद पर कम से कम एक हो जाए, जो हमारा मेन मरकज था, जो अल्लाह के रसूल ने उसको दावत दी थी, तो उस पर भी हमारे हमारी समझ अलग अलग है, हर जमात की, हर फिरके की, हर उलमाओं की उसमें अलग अलग है। तौहीद का माना कोई क्या बता रहा है, तौहीद का माना कोई अलग बता रहा है, कोई बताए तौहीद के माने 3 है, कोई बोले नहीं तौहीद का माना 1 ही होता है, तौहीद का माने कोई ने 10-12 बताए, अपनी अपनी किताबें अपने अपने हिसाब से सब उसको जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर बुनियाद थी, लेकिन ये बुनियाद भी नहीं बन रही, और असल में तो बुनियाद की बात भी नहीं हो रही, कि पहले तो उलमा बैठेंगे भाई इत्तेहाद है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जा रही, तो बुनियाद तय करेंगे किस बात पर हम एक हो सकते हैं, फिर हम कॉन्फ्रेंस करें, पर वो कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है बुनियाद ही नहीं, तो बिना बुनियाद की बिल्डिंग को गिरना ही है वो तो कहाँ से टिकेगी। तो असल तो सबसे पहले तय करना ज़रूरी है, और अगर बुनियाद ये होनी चाहिए हमारी, और अगर हमको तो सबसे पहले दलील कहाँ से ली जाएगी, कुरान से ली जाएगी, और अगर कुरान के हिसाब से नहीं करते अपने अपने हिसाब से समझते, तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 45, 46, 47 यहाँ पर फरमाया इसके अंदर कि जो अल्लाह ने जो किताब नाजिल की और किताब के हिसाब से जो इस किताब में जो हुक्म दिया गया उसके हिसाब से अगर कोई हुक्म ना दे तो यही तो जाली में यही तो काफिर और यही जो है फासिक है। तो इसके हिसाब से कोई फैसला नहीं करता है तो फिर वही जालिम और काफिर और फासिक है। काफिर तो उन्हें कह दिया जो इसके हिसाब से फैसला नहीं करते, जो इसको नहीं मानते, जो इसकी बुनियाद पर जो बताई गई इसके जो हिसाब से एक नहीं करते, इसमें जो बताया गया उससे हमको एक होना है सबसे पहले। तो इस पर तो अब इस पर भी मुमकिन नहीं है कि सबका फैसला ही अलग अलग है, सब अपने अपने हिसाब से समझ रहा है, तो इस पर भी मुमकिन नहीं है कि ये भी बुनियाद नहीं बन रही, तो बुनियाद नहीं बन सकता। अब क्यों नहीं बन रही वो एक लंबी बात है, वो हम उसको भेस को छोड़ें, क्यों नहीं बन रही वो अलग अलग उसकी बात है, लेकिन कम से कम ये होना चाहिए कि आखिरी जो हमारा आखिरी जो फैसला है वो कुरान का होना चाहिए, कि कुरान आखिरी फैसला। तो इस पर जो है हमारा इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है। तो हमारे पास इत्तेहाद की बुनियाद क्या है, आज हमारे पास में इत्तेहाद की बुनियाद है क्या? हम बात तो करते हैं कि कॉन्फ्रेंस करते हैं इत्तेहाद एक हो जाओ, लेकिन उसकी बुनियाद हमने तय नहीं की, बुनियाद हमारे पास में है क्या उसके अंदर? तो बुनियाद हमारे पास में नहीं है। तो जब बुनियाद ही आपने तय नहीं की तो सीधी सी बात है वो बिल्डिंग बनना ही नहीं है, तो इत्तेहाद होना ही नहीं है जब उसने बुनियाद ही तय नहीं की। तो बुनियाद तय करेंगे सबसे पहले, तो फिर उसके बाद ही तो बिल्डिंग बनी खड़ी होगी, तब वो जाके मजबूत होगी। तो हमने बुनियाद आज तक तय नहीं की जिसके अंदर जो है
जिसमें इख्तलाफ आज हम देखते रहे कि होता आ रहा है। तो बस तकरीरें हो रही हैं, बस तकरीरें हो रही हैं, हर कौम खड़ी हो जाती है, इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस, इत्तेहाद मुस्लिम, वो सब खड़ी हो जाती है। वो लोग सर हिलाएंगे वहाँ कर, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, सब सुन रहे हैं, उसके अंदर 5000 लोग बैठे, 10000 इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस चली, होना चाहिए, होना चाहिए, सब हिला रहे हैं, और उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा, कि हमारी बुनियाद ही तय नहीं है। तो बस अतः होगा नहीं, क्योंकि पहले तो बुनियाद आए तो अभी तो होगा ना, बुनियाद ही नहीं होगी तो कैसे होगा। हर आदमी अपनी अपनी दीवार बना रहा है, वो कह रहा हो जाएंगे हो जाएंगे, सब आपस में क्या करेंगे, अपनी अपनी दीवार बनाओ और अपने अपने फीस को जोड़ लेंगे। तो भाई पहले सब जोड़ तो जाएगी, बिल्डिंग भी अच्छी दिख जाएगी, खिड़की दरवाजे भी लग जाएंगे, लेकिन उसकी संगे बुनियाद नहीं रखी आपने, तो ये गिर जाएगी, ये गिर जाएगी। तो ये हम कह रहे, तो हमारे पास में असल जो है सबसे पहले बुनियाद तय हो, कि बुनियाद क्या हो, तब जाके इत्तेहाद हम पर हो। तो आज जो मुमकिन है, तो क्या मुमकिन है, आज जो मुमकिन क्या है, आज जो मुमकिन है वो क्या है, कि कुरान के अंदर हमको जो बताया गया, तीन चीज़ें हमको बताई गई कुरान के अंदर जो हमको मिलती है इत्तेहाद के तौर पर। एक है कौम, उसके बाद है उम्मत, उसके बाद है मिल्लत। तीन चीज़ें हमको कुरान से मिलती हैं, कौम, उम्मत, मिल्लत, ये तीन चीज़ें हमको मिलती हैं। कौम जो नबी की तरफ मंसूब हो उसको कौम कहा जाएगा, कि ये कौम है, और जो ईमान लाने वाली है वो भी कौम है, ये पूरी कौम है, ये एक नबी की तरफ जो लाएंगे तो ये भी कौम है। इसी तरह जो है दूसरी चीज़ कि उम्मत, तो उम्मत के उम्मत मोहम्मदिया वो भी कहा गया, तो वो भी नबी की तरफ मंसूब है। ये कौम तो मिल्लत, तो ये उम्मत, तो ये दो चीज़ें होंगी, उम्मत और मिल्लत। अब ये मिल्लत जो है, जिसको पोस्टर पे लगाया जाता है कि मिल्लत जो है इत्तेहाद मिल्लत, तब यहाँ जो मिल्लत कहा गया, तो मिल्लत कुरान के अंदर जो बताई गई कि मिल्लत किसकी है, ये मिल्लत सारे मुसलमान जो मोमिन है, ये मिल्लत किसकी है, तो ये जो है ख़ास किया अल्लाह ने कुरान के अंदर के इब्राहिम की मिल्लत है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है पूरी। अल्लाह के रसूल सल्लम के ताल्लुक से भी नहीं कहा कि तुम्हारी मिल्लत है, या किसी के ताल्लुक से नहीं कहा, किसी रसूल नबी के ताल्लुक से, कि ये उनकी मिल्लत है, ये मिल्लत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है। तो उम्मत तो सबके लिए आया है, कौम सबके लिए आया है, लेकिन मिल्लत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ खास किया अल्लाह ने कुरान के अंदर। और अल्लाह ने फरमाया सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 78 में फरमाया कि तुम सब अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत हो। यानी हम किसकी मिल्लत हुए, तो मिल्लत क्या, कि ये तहजीब जो कल्चर है वो हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कल्चर है, उनकी तहजीब है हमारे पास, तो ये मिल्लत हम उनकी है। तो एक चीज़ का नाम लिया गया, वो क्या है यहाँ पर, कि मिल्लत हो और तुम क्या हो, तो वो फरमाया गया है आगे। आगे फरमाया हुआ सम्माकुम मुस्लिमीन, हुआ सम्माकुम मुस्लिमीन मिन कबलू वफी हाजा, कि पहले भी कुरान में तुम्हारा नाम अल्लाह ने मुस्लिम रखा था, और इससे पहले भी जो है उनका नाम मुस्लिम था। हमने इस क़राम कुरान के अंदर भी है उम्मत, उम्मत मोहम्मदिया तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था, और इससे पहले भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम हमने मुस्लिम रखा था, और उससे पहले भी सारे मुस्लिम थे। तो यहाँ बताया गया मिल्लत किसकी है, मिल्लत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और वो कौन थे, मुस्लिम थे। तो पहला तफरका हुआ, कब हुआ पहला तफरका, इसके अंदर सबसे पहला तफरका जब मुसलमानों में पड़ा, तो सबसे पहले क्या हुआ कि शिया और सुन्नी बन गए। सबसे पहला तफरका हुआ तो शिया सुन्नी बन गए। अब अल्लाह के रसूल सल्लम तो ना तो शिया थे ना सुन्नी थे, उसके बाद जो खुलफा राशिदीन थे हजरत अबू बकर, उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, ये ना सुन्नी थे ना शिया थे, ये भी उसमें से कोई नहीं थे। तो फिर हम सुन्नी कैसे होंगे, जब वही नहीं थे तो हम सुन्नी कैसे हो गए। तो अब शिया को तो जाने दो, छोड़ो उनको तो जाने दो, हम उस पर हम बात नहीं करते, लेकिन बात हम कह रहे कि कुरान में जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत हो, और मिल्लत यानी उसकी तहजीब में से हो, तो तुम मुसलमान हो, तुम मुस्लिम हो, और हमने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है, और इस उम्मत का नाम मुस्लिम, और उनका नाम भी मुस्लिम था, उससे पहले भी ये नाम मुस्लिम था। तो अल्लाह ने जब हुक्म दे दिया कि तुम, तो असल टाइटल हमको क्या दिया था, तो टाइटल की बड़ी अहमियत होती है, टाइटल असल है, तो हमको टाइटल दिया गया था कि तुम मुसलमान हो, तुम मुस्लिम, तो हमको टाइटल वो दिया गया था, तो वो सबसे अहम है। तो वो किसने रखा, अल्लाह ने रखा, लेकिन हम कहेंगे हमारे लिए तो काफ़ी नहीं है साहब, उस पर हम फिर दलील लेकर आएँ कि कुरान में सिर्फ मुस्लिम ही तो ही कहा, उनको मोमिन भी कहा, ये भी कहा, ये भी चीज़ भी कही कुरान के अंदर, तो क्या वो भी नहीं रखें क्या फिर। लेकिन यहाँ मिल्लत की बात आ रही है, मिल्लत से जोड़ा, तो मिल्लत तो ये मुसलमान होनी चाहिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। फिर अब उसके बाद हम अपनी उसके अंदर जो है अपनी समझ रखेंगे कि नहीं नहीं साहब, ना मुसलमान के साथ में तो कुछ जोड़ना ही पड़ेगा साथ में। फिर उस पर दलीलें, उस पर दलीलें फिर दे रहे हैं कि दलील नहीं साहब, एक आदमी तो सब इंसान है, सब इंसान है, और इंसान के अंदर फिर ये इब्राहिम है, ये अब्दुल्ला है,
ये अलग अलग नाम होते हैं, तो इंसान तो सब है लेकिन नाम अलग अलग होते, इसलिए सब मुसलमान तो सब है लेकिन सबके सब अलग नाम होना चाहिए, उनकी जमात के नाम उनके साथ जुड़े होने चाहिए, फिरकों के नाम जुड़े होने चाहिए। अरे तो भाई मेरे दलील किसके सामने दे रहे, जब अल्लाह ने खुद कह दिया कि तुम मिल्लत है, तुम्हारा नाम हमने मुस्लिम रख दिया, तो डरने की बात नहीं है, अफसोस की बात नहीं है कि मैं अल्लाह के हुक्म के आगे अपने आप को कहे कि नहीं हमको तो ये नहीं ये रखना है, जब तुमको मुसलमान कह दिया अल्लाह ने तो उसके बाद भी तुम अपने अपने नाम लाओगे, तो डरना तो किससे चाहिए, जब तक कि हम बुनियाद अल्लाह की किताब को नहीं बनाएंगे, उसको हुक्म को नहीं बनाएंगे जिन्होंने कह दिया कि तुम इब्राहिम की मिल्लत थे, हमारा हमने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा, तो फिर हम उसके बाद हमारी इंटरप्रिटेशन दे कि हम इसको इसे नहीं ऐसे समझेंगे, तो भाई फिर समझते रहो तुमको अल्लाह का डर नहीं है, फिर कैसे तुम कह रहे हो जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि तुम सब मुसलमान, फिर हम आपस में, तो सबसे पहले तो यहाँ इत्तेहाद करना पड़ेगा, बुनियाद ये बनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि और कोई चीज़ हमारी बुनियाद नहीं बन रही। सबसे पहले बुनियाद क्या बननी चाहिए कि सब तुम मुसलमान हो, कि सारे के सारे तुम मुसलमान हो, तो खुद को अगर हम मुस्लिम कहेंगे तो फिर एक दूसरे में ये चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो ये बुनियाद बननी चाहिए, उसके बाद अल्लाह ने फिर क्या ये की बात आगे अल्लाह ने कहा कि लियुकुन्ना और रसूल शाहिदा अलैकुम, ताकि तुम पर रसूल गवाह हो, तो मुसलमान हो, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा, वो तुम पर रसूल हो, किस पर गवाह होंगे, वो मुसलमानों पर गवाह होंगे, किसी तफर के मसले पर गवाह नहीं होंगे, वो तुम पर गवाह होंगे। वह तकून शहदा अलन्नास, देखिए अलन्नास और कहा और तुम लोगों पर गवाह होंगे, तो किसी मसलक की किसी उसका नहीं कहा, सारे मुसलमान तुम गवाह होंगे, तुम पर रसूल गवाह होंगे, तो मुसलमानों से कहा गया। तो ये बहुत अहम बात है, हमको समझने की ज़रूरत है कि हमको जो कहा गया, तो हम इस नाम के साथ इस टाइटल के साथ में इत्तेहाद करें, क्योंकि जो ऊपर की जो भी चीज़ है, एक ख़ानदान, अगर आप देखिए आप यहाँ इस कौम के अंदर बड़े बड़े इस जहाँ रहते हैं इस मुल्क के अंदर कई लोग रहते हैं, और उसके अंदर अगर ऐसा रख दिया जाए, सरकारी एक नियम निकले कि कोई किसी के नाम के पीछे उसका वो नहीं लिखेगा सरनेम, सरनेम नहीं लिखेगा कोई भी, सरनेम उसको हटा दिया जाए, तो सिर्फ दो पीढ़ी लगेंगी उसकी, तीसरी पीढ़ी में मालूम भी नहीं पड़ेगा कि इसका सरनेम क्या था, अगर फॉर्म के अंदर लिख दिया जाए तो ख़त्म हो जाएगा पूरा, उसके अंदर मालूम नहीं पड़ेगा कि ब्राह्मण कौन था शूद्र कौन था, अगर उसमें से सिर्फ वो हटा दिया जाए कि कोई नहीं लिखेगा, तो दो पीढ़ी में ख़त्म हो जाता है वो, तो हम उस चीज़ पर कर रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर हम ला रहे हैं, जबकि अल्लाह ने कह दिया कि मुस्लिम, तो सबसे पहले तो इस पर जो है हमको एक होना है, और इसी पर गवाही देंगे तभी तो हम गवाही देंगे। नमाज, रोज़ा, जकात, ये सब तो अपनी अपनी हमको करना है, इसमें राय का इख्तिलाफ हो सकता है, मसाइल का इख्तिलाफ हो सकता है, तो अपने अपने आप करें, फर्जियत अपनी जगह है उसकी, उसका कोई इनकार ही नहीं, तो वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये तो अपनी अपनी पूरी करें, लेकिन जरूरी है कि टाइटल एक होनी चाहिए कि उम्मत, इसलिए तब उम्मत है कि उसका टाइटल एक हो कि सारे मुसलमान। तो अब बात मसला तो ये आ रहा है कि वहाँ जो मिल्लत, जहाँ हर कौम हर मसलक अपने अपने इतिहाद के कायम कर रहे हैं जलसे, और वहाँ पोस्टर लगा रहे हैं 30x40 के, उस पर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, इतिहाद मुस्लिम, इतिहाद मिल्लत, तो मिल्लत किसकी है, वो मिल्लत कौन सी है, वो मुसलमान मिल्लत है, वो वहाँ मुस्लिम लिख रहे हैं ऊपर, और उस बात पर एक नहीं हो रहे, खाली वो टाइटल में लिख दिया कि इतिहाद मुस्लिम, अरे तो मुस्लिम कहाँ कहा तुमने अपने आप को, तो फिर एक कहाँ से होंगे, खाली पोस्टर लगाने से हो जाएगा, तो अब ये मसला इसके अंदर, तो टाइटल की बड़ी अहमियत है, टाइटल हमारा एक होना चाहिए, और इसके अलावा फिर क्या है, ये सब तो ठीक है, चलो ये भी मान लिया हमने, इस बात पर भी अगर हम इस पर भी एग्री हो गए कि सारे चलो मुसलमान हैं, तो उसके बाद हो जाएगा, तो अब अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 कि तुम्हें लोगों के भलाई के लिए हमने निकाला है, किसके लिए निकाला है, लोगों की भलाई के लिए निकाला है, क्यों, ताकि तुम बुराई से लोगों को रोको। तो अब इसमें इख्तिलाफ क्या हुआ, इसमें इख्तिलाफ हुआ, इसमें इख्तिलाफ क्या हुआ कि भलाई के लिए निकलना ही हमने छोड़ दिया, भलाई के लिए निकले ही नहीं हम, इसमें हम निकलते ही नहीं, हमने छोड़ दिया भलाई का हुक्म देना, लोगों को भलाई करना हमने छोड़ दिया, तो अब कम से कम इस पर मुत्तहिद होना पड़ेगा, क्या लोगों के भलाई के लिए, तुम उसके लिए निकाले गए हो, तो अब वो भी होंगे, तो अगर हम क्या करेंगे कि अगर मान लो अब ठीक है मैंने बता दिया कि मुसलमान पर एक होना चाहिए, नाम पर एक हो जाए, चलो नाम पर सारे लोग एक हो गए, तो मुसलमान हिंदुस्तान में कितना है, 20% एक हो गए, तब उसके रद्द में ये जब एक हो जाएंगे तो रद्द में 80% भी तो एक होंगे, तो फिर तो वो फिर हमसे ज़्यादा है, तब नहीं चलो ऊपर वो ले जाते दुनिया के पास, दुनिया के मुसलमान एक हो तो दुनिया के मुसलमान भी एक हो जाएंगे, तो कितने रहेंगे, 20% पूरी दुनिया से, फिर 80% उनके ख़िलाफ़ वापस एक हो जाएंगे, तो मसला तो यहाँ भी हल नहीं हो रहा, जो हमारी जो मुश्किल पड़ी हुई है, चाहे इस पर भी एक आ जाए, और इस पर एक हो सकते हैं,
मैंने बताया उसके अंदर कैसे हो सकते हैं, लेकिन इस पर एक हो सकते हैं, लेकिन इस पर भी मसला ये नहीं आ रहा। तो असल मसला क्या है कि असल वो चीज़ जो तुमको बुराई से रोकना असल तुम्हारा मकसद था कि तुमको निकाला इसलिए गया था, तुमको भेजा इसलिए गया था ताकि तुम लोगों के भलाई का काम करो, उनको बुराई से रोको, तो वो करना छोड़ दिया इसलिए तुम्हारे ऊपर ये मुसीबत आई। तो असल काम सब मिल के अपने आप को मुसलमान कहें, वो सारे के सारे इस काम में जुड़ जाए कि हम लोगों की भलाई के लिए, तो फिर ये हमारा काम हो सकता है, ये मुसीबतें हमसे हट सकती है, क्योंकि दुनिया उसी को पसंद करती है जो उसके साथ भला करता हो, भलाई वाले को लोग पसंद करते हैं, तो फिर ये हमारा काम ये हो सकता है। तो इबादत तो अपनी अपनी है, जो अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया कि तुमने हमने तुमको भेजा ही इसीलिए कि ताकि तुम मेरी इबादत करो, इंसान और जिन दोनों के लिए तुम्हारा मकसद ये। लेकिन भलाई पर तुम भलाई से लोगों पर गाली बा सकते हो, तो भलाई करेंगे तो गाली बा सकते हैं। तो दावत दीन यही अहल है और यही हलाकत से बचने का जरिया है। अब इसके अंदर अगर हम सबसे पहले तो अगर इत्तेहाद कायम करना तो उसकी बुनियाद मिल्लत पे होनी चाहिए, और मिल्लत इब्राहिम ही, और मिल्लत इब्राहिम का नाम मुसलमान है। अब उस पर अपनी अपनी दलीलें पेश करना और ये करना, तो वो सोचे कि दलील किस पर दे रहे हैं, वो अल्लाह ने जब कह दिया तो उस पर दलील दे रहे, तो अल्लाह के हुक्म से डरना चाहिए। जो अल्लाह से ना डरे तो उसकी तो बुनियाद है तकवे, तो बुनियाद है हमारी तकवा, और तकवा क्या होता है, अल्लाह का डर है, तो उस पर हम वो करें सबसे पहले वो हो जाए। लेकिन ये है कि असल जो है बचने का फिर भी जरिया क्या रहेगा, ये होने के बाद में भी वो असल जरिया हमारा रहेगा जो दावत दी लोगों की भलाई के निकलना। और यह कुरान में अल्लाह ने फरमाया भी, सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 78 में फरमाया कि तुम मिलकर लड़ो अल्लाह की राह में जैसा कि लड़ने का हक है, और उसने तुम्हें चुना है। किसने चुना है? अल्लाह ने तुम्हें चुना है। दीन के मामले में कोई तंगी तुम्हारे ऊपर नहीं रखी नहीं है, और इब्राहिम के मजहब को पसंद किया, और इससे पहले भी हमने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था, और कुरान में भी यही नाम तुम्हारा मुस्लिम रखा, ताकि क्या है कि ताकि तुम पर रसूल गवाह हो और तुम लोगों पर गवाह हो, और नमाज कायम करो, जकात अदा करो। पहले सब बताने के बाद फिर कहा कि अब क्या करना है, ये नमाज तो जहाँ एक होने के बाद में फिर क्या करना है, फिर हमको नमाज कायम करना, जकात अदा करना है, उसके बाद में हमको बताया। तो अल्लाह ने एक और अल्लाह के अहकाम को मजबूती से थाम लो, कि अल्लाह के अहकाम को मजबूती से थाम लो, और वही तुम्हारा मौला है, सरपरस्त है, और क्या ही अच्छा मौला है और बेहतरीन मददगार है। लड़ो मतलब क्या है? लड़ो मतलब ये कहा कि लड़ो, तो लड़ना इंसान के अंदर रखा है, मुसलमान के अंदर रखा है लड़ना, लेकिन लड़ने का मतलब ये नहीं कि लोगों के जाकर गिरेबान पकड़ पकड़ के उनको हम दावत दें, उनको समझाएं, वो मतलब वो माना नहीं यहाँ पर। तो लड़ना है, तो लड़ना किससे? बुराई से लड़ना है, कुफ्र से लड़ना है, जो कुफ्र हो रहा है उससे लड़ना है, जो बुराई हो रही है उससे लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना। और ये लड़ना हमने छोड़ दिया कि बुराई से नहीं लड़ रहे जो लोगों के अंदर है, जो कुफ्र है उनके अंदर हम उनसे नहीं लड़ रहे, तो लड़ना तो हमारे अंदर था, तो हमने उनसे नहीं लड़ा तो आपस में लड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा फिर हमारे अंदर तो फितरत है वो, तो फिर लड़ो आपस के अंदर, क्योंकि तुमने दूसरों से नहीं लड़ा तो आपस में लड़ोगे, फिर फितरत तो गाली बहाना ही है उसके ऊपर। तो असल ये है कि वो लड़ना है, तो वो अंदर फिर ये आपस में लड़ रहे हैं। तो हम में मुत्तहिद अगर इस पर मुत्तहिद हो जाएं, किस पर मुत्तहिद होना है? खैर ख्वाही के जज्बे पर मुत्तहिद होना है, सब मिलके अपने आप को मुसलमान कहें, और सब इस बात को मान लें कि हमको खैर ख्वाही का काम करना है, लोगों की भलाई का काम करना है, तो फिर ये मुसीबतें भी हमारी जा सकती है और इत्तेहाद कायम हो सकता है। तो असल बुनियाद हमारी ये, तो सब पहले मुस्लिम हो जाएँ, सबसे पहले हम इसको बुनियाद बनाएँ, और उसके बाद फिर हम जाएँ। तो इसके लिए होगा क्या कि इसको सबसे पहले तो उलमाओं का एक होना पड़ेगा। अब उलमा स्टेज से कहते रहे एक हो, तो आवाम कहाँ से एक होगी? वो तो उलमा के पीछे, आवाम को क्या मालूम है दीनी मसाइल, तो उनको पता ही नहीं, वो उलमा के पीछे तो वो बताएंगे तो हम मानेंगे। तो असल तो है कि उलमा एक हो, सबसे पहले तो स्टेज शेयर करना सीखें एक दूसरे का, कि तुम्हारी यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है हम भी आएंगे, वो नहीं भी बुला रहा था कि हमको बुलाओ, क्योंकि इत्तेहाद की बात कर रहे, तो इत्तेहाद किससे करोगे? हमसे ही तो करना है, तो हमको तो बुलाओ। तो सब मिलके एक स्टेज पर जाएं, आपस में स्टेज को शेयर करें और फिर आवाम के सामने रखें, तो उसके बाद कहेंगे अरे ये चार लोग यहाँ बैठ गए तो हमें भी क्या जा रहा है, तो आवाम भी आपस में गले मिलेगी, जब स्टेज पर उलमाओं को देखेंगे तब जाकर तो गले मिलेंगे, तो वो तो एक हो जाएगी। तो आवाम के अंदर तो है, वो तो चाहती है, वो चाहती है एक होना, लेकिन असल मसला कहाँ आ रहा है? असल ऊपर से मसला आ रहा है कि उनके अमीर, उनके बड़े, उनके लीडर और उनके जो है उलमा, वो एक नहीं हो रहे हैं। वो एक हो जाए तो आवाम खुद ब खुद एक हो जाएगी। और बुनियाद क्या होनी चाहिए? बुनियाद ये होनी चाहिए कि मिल्लत है तो मिल्लत इब्राहिम है, वो मुसलमान है, और अल्लाह ने यह नाम रखा है तो अल्लाह ने रख दिया वो नाम, तो हम बड़ी अफसोस की बात होती है जब भी किसी से कहें तो उसके बाद वो अपनी दलीलें उस पर दें कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो लगाना ज़रूरी है पहचान के लिए हमारे, नहीं तो पहचाने कैसे जाएंगे? अरे मुसलमान की पहचान होनी चाहिए, अपनी अपनी तुम कहा तो फिर अपनी अपनी पहचान बना रहे। और यहाँ कहे कुरान के लोग इनकार कर देते हैं फट से, लोग डरते ही नहीं है, तसव्वुर ख़त्म हो गया अल्लाह की किताब का। कोई मुझसे पूछता है, कई बार फ़ोन करते हैं मेरे पास, या कोई आता पूछता है कि भाई हमारे लड़का हुआ, बच्चा हुआ, क्या नाम रखे, नाम बताओ, तो मैं कहता हूँ भाई याया रखो, तो बोले याया
ये कैसा अजीब नाम तुम लाए, और इसलिए हम देखते हैं आपको मिलेगा ही नहीं यहाँ, या पूरे मोहल्ले में ढूंढ जाओ आपको नाम नहीं मिलता। अरे तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ने कहा कुरान के अंदर, जब बशारत दी अल्लाह ने कि हम तुम्हारे एक बच्चा तुमको देंगे, और हम उसका नाम जो है, बल्कि वो हम नबी देंगे, नबी थे वो, और वो हम तुमको देंगे उसका नाम याया होगा, अल्लाह ने रख के दिया। और यहाँ हम बताएं कि भाई याया रख लो, तो बोले याया कैसे रख ले, तो अजीब गरीब नाम लग रहा, ये क्या नाम हुआ याया। अरे भैया अल्लाह ने हुक्म दिया, तो मैं तो अल्लाह के हुक्म से बता रहा हूँ, वो साहब इनकार कर देता है नहीं जमा, तो भाई तू फिर क्या डर रहा है अल्लाह से, मना नहीं है भाई कि सब याया ही नहीं रख ले, नहीं तो पहचान वो भाई सारे बोल ले के अंदर याया याया बल। लेकिन बताया जा रहा है तो उसके अंदर खौफे खुदा तो होना चाहिए कि भाई जब मैं तुमको बता रहा हूँ कि अल्लाह ने रखा नाम, तो सबसे बेहतरीन नाम जो अल्लाह ने रख दिया, तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा, तो मुस्लिम रखा, और उसके बाद हम कहे कि नहीं हम तो नहीं हम तो फलाएँ हम तो फलाएँ फलाएँ, तो भाई अल्लाह से डर कहाँ बचा तुम्हारा। तो अब कामयाब जब हो सकते हैं हम, कि जब अल्लाह के हुक्म को, उसकी किताब को, चाहे उसकी किताब के खिलाफ जो भी किताबें आती हों, या कहीं भी लिखा हो, कोई भी बोलता हो, तो उसका क्या होगा, उसकी सबसे आखिरी अथॉरिटी कुरान होनी चाहिए। कुरान में कह दिया, वो चीज़ को हमको सबसे मुकदम रखना पड़ेगा, तो हमारे अंदर ये इत्तिहाद भी होगा। और असल इत्तिहाद करने के बाद में क्या काम करना है, वो इत्तिहाद कर भी ले तो भी हम अकलियत में ही रहेंगे पूरी दुनिया के मुकाबले में। तो असल जब कामयाब हो सकते हैं कि जब हम लोगों की भलाई के निकले, क्योंकि कुरान में हमारा जो मकसद बताया गया कि तुमको भेजा ही लोगों की भलाई के लिए गया, तो असल वो चीज़ हम करेंगे, तो फिर उसके बाद में हम फिर वापस से इस दुनिया पर गाली बा सकते हैं, और यूँ किया जा सकता है। तो ये चंद बातें हैं कि हम इस पर इत्तिहाद की बुनियाद पर मैंने ये रखी। तो आखिर में अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ कहा और सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे ईमान इस्लाम पर जिंदा रखे, अल्लाह जब मौत दे साल में मौत दे, अल्लाह हमसे राजी हो, हम अल्लाह से राजी हो। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।